वें गुड़स्तान संबंधी परिभाषा ग्यारहवें गुड़स्तान में होने वाला सम्यक्त्व इन सब के बारे में अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं अब अपनी अपने विषय को अपन आगे बढ़ाते हुए आज उसकी चर्चा करेंगे चारित्रपेक्षा विचार संबंधी से अपनी चर्चा प्रारंभ होनी है पेज नंबर निकाल लीजिए 216, 216। सोलह विचार सम्यक्त अपेक्षा विचार संबंधी हमने यहाँ पर देखा था कि ग्यारहवें गुणस्ती जो महामुनिराज हैं उनको द्वितीयोपम सम्यक्त्व ही अथवा शायक सम्यक्त्व इन दोनों में से कोई एक सम्यक्त्व ही रह सकता है ग्यारहवें गुणस्थान में तो दोनों सम्यक्त रह सकते हैं लेकिन किसी जीव को तो एक ही सम्यक्त रहेगा इसमें आप अंतर थोड़ा समझना क्योंकि लिखते वक्त भी कई बार गलती हमारे से ये हो सकती है में दोनों होते हैं, लेकिन के एक होगा। में आया? में तो लेकिन वर्ति, वर्ति मतलब कोई एक जीव तो ग्यारहवे गुड़स्तान वर्ती किसी एक जीव के तो दोनों सम्यक्त में से अतः द्वितीय या शाइक में से कोई एक ही रहेगा तो ये तो हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं अब अपनी चर्चा को यहाँ आज अपन आगे बढ़ाते हैं ग्यारहवें गुणस्थान में होने वाले चारित्र संबंधी विचार के देखते हैं पहले अपन समझ लेते हैं फिर अपन पढ़ लेंगे विचार सीधी सी बात है हमारे इससे पूर्व दो श्रेणी थी एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी उपशम श्रेणी के अंत में प्रकट होने वाला या उपशम श्रेणी के फल स्वरूप प्रकट होने वाला गुणस्थान का नाम है ग्यारह उपशांत मोह गुणस्थान और छपक श्रेणी के फल में प्रकट होने वाले गुणस्थान का नाम है शीण मोह गुड़स्थान जो बारहवें नंबर का है तो इसका मतलब यहाँ सीधी सी बात है जो उपशम श्रेणी में जो आरूण हुए थे उनको यह ग्यारहवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है तो ऐसे जीव को औपशमिक चारित्र की प्राप्ति ही होती है मतलब वे औपषमिक चारित्रवंत ही होते हैं और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस ग्यारहवें गुणस्थान में आकर पूर्ण औपशमिक चारित्र होता है क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने ध्यान दिया हो हमने श्रेणी के जितने भी गुणस्थान थे उपशम श्रेणी वाले हैं तो उसमें ऑप्शन में चारित्र घटित किया था और चपक श्रेणी वाले हैं तो उसमें शायक चारित्र घटित किया था लेकिन वो सारे कथन हमने उपचार से किए थे उपचार से किए थे मतलब वहां पर अभी औपशमिक चारित्र और शायक चारित्र प्रकट नहीं हुआ था प्रकट होने वाला है इस अपेक्षा से भी हमने कथन किया था तो वो जो होने वाला था वो अब ग्यारहवें और बारहवें में होगा तो इस ग्यारहवें में पूर्ण औपशमिक चारित्र पूर्ण यथा क्या चारित्र जैसे अपन कहते हैं आप लोगों ने लघु जैन सिद्धांत प्रविशिका में भी पढ़ा होगा चार प्रकार के चारित्र याद है सभी को कौन कौन से हैं वे चार प्रकार के चारित्र स्टार्टिंग से बोलो ना स्वरूपाचरण चारित्र देश चारित्र सकल चारित्र और यथा क्या चारित्र तो ग्यारवे गुणस्थान में और बारहवें गुणस्थान में इस यथा क्या चारित्र की प्राप्ति होती है पूर्ण वित्राकता की प्राप्ति हो जाती है देखिए अपन यहां सब आगे को पढ़ते हुए समझेंगे विचार। यहां यथा क्या चारित्र है? एक शब्द में उत्तर यहां दे दिया कि यथा क्या चारित्र है अब इस ग्यारहवें उपशांत मोह गुणस्तान के प्रथम समय में ही शेष सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय तथा सूक्ष्म लोभ परिणाम दोनों उपशमित हो गए ये ऐसा क्यों कहा क्योंकि गुणस्थान में क्या था मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय था और होने वाला पूर्वक परिणाम था उसके कारण नवीन बंद तो हो ही नहीं रहा था याद है हमने खूब चर्चा भी की थी कि अगर नवीन बंद होगा तो फिर छूटेंगे कैसे ये सारी एक प्रकरण भी आया था बीच में तो दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय था उस सूक्ष्म लोभ के उदय के कारण परिणाम भी थे लेकिन इस ग्यारहवें गुणस्थान में ना सूक्ष्म लोभ है और शेष तो पहले ही हो चुका था तो ना सूक्ष्म लोभ है ना सूक्ष्म लोभ के उदय से होने वाले परिणाम है तो इसका मतलब यहां इस यहाँ गुणस्थान में पूर्ण भीतरा है आगे प्रश्न अच्छा प्रश्न है काफी इसको पढ़ते हैं प्रश्न अनंतानुबंधी चारों कषायों का क्या हुआ बताइए जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना अपन बताइए जवाब दीजिए जनता जवाब चाहती है हाँ बताइए आप क्या आपका क्या मानना है ऐसे यहाँ पे एकदम से तुरंत वो अनंतानुबंदी का क्या हुआ जल्दी बताइए वो क्या होगा उसका वो कहाँ चली गई जो अनंतानुबंदी आदि पहले थी देखिए उत्तर चूंकि एक बात देखो इसको दो एंगल से अपन देखने वाले मैं पहले क्लियर कर लू इसको दो एंगल से अपन देखेंगे एक औप्शमिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा जिसको अपन द्वितीय सम्यक यहां कहा है एक तो द्वितीय सम्यक की अपेक्षा देखेंगे और एक शाही सम्यक की अपेक्षा देखेंगे कि उस अनंतानुबंधी का क्या हुआ तो मतलब अगर शाहीिक सम्यक्ति है तो उनकी अनंतानुबंदी का क्या होगा हो। और अगर द्वितीयशम सम्यक दृष्टि है तो उनकी अनंतानुबंदी का क्या होगा तो दोनों के अलग अलग करके देखो बता रहे हैं उत्तर यदि उपशांत मोहि मुनिराज शायक सम्यक दृष्टि हैं तो उनके अनंतानुबंधी कषायों का अभाव शायक सम्यक होने के पहले ही विसंयोजन द्वारा हो गया है ठीक है ये आ गया होगा समझ में मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है अगर शायक सम्यक दृष्टि है तो उनको अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई है शायक सम्यक दृष्टि है तो उनको निश्चित रूप से हो गई है ठीक है आगे अब अगर द्वितीय ऑप्शन सम्यक दृष्टि है तो तो उनके दो ऑप्शन हैं उनकी भी विसंयोजना हो सकती है या उनका सदअवस्था रूप उपशम हो सकता है दो सद अवस्था रूप उपशम मतलब जैसी हैं वो वैसे ही है।, है कहने का मतलब बस इतना सा है तो जो ग्यारहवें गुणस्थान बढ़ती हैं उनको अनंतानुबंदी आदि चारों कशाए मतलब मात्र अनंतानुबंदी नहीं अनंतानुबंदी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्यख्यानवरण सभी कषायों के बारे में बात कर रहे हैं अगर श्राइक सम्यक दृष्टि है तो उनकी संजुलन आदि रूप होकर हो जाती है तो अगर श्राइक सम्यक दृष्टि है तो इस रूप में होकर वो चली गई अभाव हो गया ये विसंयोजना द्वारा ही अभाव होता है शायद सम्यक दृष्टि है तो भी इस विसंयोजना के माध्यम से ही अभाव होता है और अगर

अप्रमत्त अवस्था में ही उनका शायोपशमिक सम्यक्त द्वितीयोपशम सम्यक्त रूप से परिणमित हो जाता है उस समय अनंता चतुष्की विसंयोजना या अवस्था रूप उपशम हो जाता है देखो दोनों बातें बोल दी विसंयोजना और अवस्था रूप उपशम हो जाता है इसलिए उनके अनंता की सत्ता भजनीय है भजनीय का मतलब है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है क्यों साहब ऐसे कैसे देखो अगर सद अवस्था रूप उपशम है तो हो सकती है और अगर विसंयोजना हो गई है तो नहीं है आ गया समझ में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है प्रशांत क्लियर हुआ है समझ में पीयूष विसंयोजना तुम तो बहुत गैप हो गया समझ में आया देखो कुल मिला के बात इतनी सी है विसंयोजना के द्वारा तो होता है अभाव क्योंकि उसके माध्यम से वो प्रकृति नहीं होती फिर वो रूप परिणाम हो जाती है तो फिर वो प्रकृति कहां रही प्रकृति नहीं रही इसका मतलब अभाव हो गया। तो तो देखो, अलग कर दिया लेकिन अगर द्वितीय सम्यक दृष्टि है तो उनके दो ऑप्शन है संभव है और सद अवस्था रूप उपशम भी है तो इसलिए द्वितीयशम सम्यक दृष्टि के अनंता आदि चारों कशाएं हो भी सकती हैं और

प्रथम समय में ही फिर यह बढ़ता घटता नहीं है कि प्रत्येक समय में बढ़ता जा रहा हो नवीन नवीन राखता हो रही हो बिल्कुल भी नहीं होता देखो उप गुड़स्तान के प्रथम समय से ही औप्शमिक चारित्र जिसका दूसरा नाम औपशमिक यथा क्या चारित्र है वह प्रकट हो जाता है या देखो अपन ऐसे भी कह सकते हैं चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दसवें गुणस्तान का व्यय और ग्यारे गुड़स्थान का उत्पाद ये अलग अलग समय में होते हैं सही कहा ना मैंने एक ही समय में होते उत्पाद व्यय द्रोव एक ही समय में होता है ना तो इसी अपेक्षा से अपन कह सकते हैं कि दसवें गुणस्तान के प्रथम समय में ही औपिक चारित्र होता है नौवे गुणस्तान का व्यय होते ही और दसवें गुणस्तान का उत्पाद होते ही उसके पहले समय से ही औपशमिक चारित्र पूर्ण वित्रागता और उनको कौन सा सुखी कहा था कौन सा सुखी कहा था अनंत सुखी अव्य सुखी तो कौन सा कहा था उनको पूर्ण सुखी कहा था मतलब वे ग्यारहवें गुणस्थान के प्रथम समय से ही पूर्ण सुखी हैं। देखो आगे इस गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर आज प्रतीक और लक्षित के बीच में पता नहीं क्या चल रहा है बहुत स्टार्टिंग से ही देख रहा हूं क्या चल रहा है मैं पता ऊपरी <laughs> चक्कर चलो अपन आगे बढ़ते हैं इस गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय पर्यंत एक ही प्रकार की वीतरागता निर्मलता और शुद्धि रहती है मतलब वो बढ़ती नहीं है और घटती भी नहीं है कुल मिला के बाद इतनी सी है क्योंकि वो परिपूर्ण अवस्था है अतः चारित्र एक ही प्रकार का औप्शमिक यथा क्या चारित्र रहता है मोह परिणाम का अभाव इतनी विवक्षा लेकर सोचा जाए तो बारहवें तेरहवे चौदवें गुणस्थान में जो शायिक यथा क्या चारित्र है उसमें और अग्यारे गुणस्थान के औप्शमिक यथा क्या चारित्र में तिल तुष मात्र भी अंतर नहीं है किसकी अपेक्षा मोह परिणाम के अभाव की अपेक्षा ये इसमें अंतर देखो वास्तव में देखा जाए एक तो है औप्शमिक चारित्र और एक है शाइक चारित्र इसमें जो अंतर है वो अंतर तो है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई अंतर ही ना हो इन दोनों में अंतर है लेकिन उस विवक्षा को भी यहां गौण है उस अंतर को अगर अपन गौण करें और एक चीज देखें वो क्या है चीज मोह का उदय नहीं होना बस मोह का अभाव होना मैं कुछ नहीं कर रहा <laughs> मोह का अभाव होना तो उस मोह के अभाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो तो ना ग्यारहवे गुड़स्तान में मोह का उदय है और ना बारहवें गुड़स्तान में मोह का उदय है तो चूंकि मोह का उदय नहीं है उदय जन्य अभाव इसको अपन लें है ना उदय नहीं है इसी का अभाव है तो उसका अभाव होने के कारण ना ग्यारवे गुणस्थान में मोह है ना बारहवें गुणस्थान में मोह है तो मोह का उदय ना होने के कारण जो वीत राखता है वो समान है ठीक है इतना सा कह रहे हैं देखो आगे मोह कर्म की सत्ता का सद्भाव और क्षय रूप अभाव की अपेक्षा से जो अंतर है वह विषय यहाँ गौण है मतलब वास्तव में देखा जाए तो औप्षमिक चारित्र यथा क्या चारित्र में बहुत अंतर होता है, है ना तो वो अभी यहाँ पर अभी गौण है समानता को देखा जाएगा तो समानता तो यह है कि दोनों में मोह का अभाव है और दोनों की बराबर है आगे। ग्यारहवीं गुणस्थान के काल संबंधी जगन्य उत्कृष्ट एवं मध्यम ऐसे तीन भेद होते हैं और बारहवें गुणस्थान के काल संबंधी कोई भेद नहीं है कोई आप में से उत्तर दे सकता है ऐसा क्यों है देखो मैं मैं प्रश्न करता हूं यहां ये कहा गया है कि ग्यारहवें गुड़स्थान के उत्कृष्ट मध्यम और जगन ये तीन काल अपन जैसे पहले के गुड़स्थानों में भी देख रहे हैं ऐसे तीन काल बन रहे थे ना यहाँ कह रहे हैं ग्यारहवें के तो बनते हैं लेकिन बारहवें गुड़स्थान के ना उत्कृष्ट काल है ना मध्यम काल है ना जघन्य काल है ऐसा क्यों है देखो आप लोग बताइए बहुत तुरंत कॉमन सेंस का उत्तर है ये कॉमन सेंस क्योंकि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं के तीन भेद बन रहे हैं बारहवे के तीन भेद क्यों नहीं बन रहे बताओ रजत हाँ हम्म हम्म बिल्कुल सही उत्तर दिया बिल्कुल सही देखो अपन ये सभी कॉमन सेंस मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर आपको विषय ध्यान हो पहले का तो अपने आप ही आप उत्तर दे सकते हैं पिछले के गुड़स्थानों का जघन्य काल तब बनता था जब उस गुड़स्थान में मृत्यु होती थी आयु पूर्ण हो जाती थी हमने ये पहले भी सीखा था और पढ़ा था कि शपक श्रेणी पर आरुण होने वाले व्यक्ति की मरण नहीं होता उसकी आयु पूर्ण नहीं होती है ना समाप्त नहीं आयु पूर्ण नहीं होती मतलब उस समय है ना आयु समाप्त नहीं होती आयु का क्षय नहीं होता कुल मिला के बात इतनी सी कहनी है तो बारहवें गुणस्थान तो शपक श्रेणी के फल का गुणस्थान है तो वहां मरण कैसे होगा तो इसका मतलब जगन्य काल नहीं होगा जघन्य काल नहीं होगा तो उत्कृष्ट काल भी नहीं होगा क्योंकि जघन्य की अपेक्षा ही उत्कृष्ट होता है और जहां जगन्य और उत्कृष्ट नहीं है तो मध्यम काल भी नहीं बनेगा तो बारहवें गुणस्थान में चूंकि मरण नहीं होता क्षय नहीं होता काल क्षय भी नहीं होता और भव क्षय भी नहीं होता ये दोनों क्षय नहीं होते इसलिए बारहवें गुणस्थान के तीन भेद नहीं बनते सिर्फ अंतर्मुर्त बारहवें गुणस्थान का काल है ठीक है तो देखो ग्यारहवें गुणस्थान के काल संबंधी जघन्य उत्कृष्ट एवं मध्यम ऐसे तीन भेद होते हैं किसके ग्यारहवे के और बारहवें गुणस्थान के काल संबंधी कोई भेद नहीं है यही मैंने आपको बताया आगे तथापि इस ग्यारहवें गुणस्थान से महामुनिराज क्रमशः नीचे काल क्षय या आयुष्य है जिसको भव क्षय भी कहते हैं आयुष्य क्षय की अपेक्षा उतरते ही हैं हैं इसको ये, इसको गिरना भी बोलते है आपको बताता हूँ देखो सचमुच विचित्रता है देखो मैं आपको बताऊँ जैसे किसी ने कोई ग्यारहवे गुणस्थान तक आया ग्यारहवे गुणस्थान में उसने क्या क्या प्राप्त किया क्या क्या प्राप्त हो जाता है ग्यारहवे गुणस्थान में पर जल्दी जल्दी जवाब दो पूर्ण वित्रागता हो जाती है और? और कितने सुखी हो जाते हैं पूर्ण सुखी हो जाते हैं ना अब यहाँ क्या कह रहे हैं कोई ग्यारहवें गुड़स्थान पर आरूढ़ हुआ ग्यारहवें गुड़स्थान तक पहुंचे और मान लीजिए कि अब वे नीचे उतर रहे हैं क्योंकि दो कारणों से कालशय या आयुष है तो दोनों के कारण वे नीचे उतरे नीचे नीचे उतर के वे पहले गुड़स्थान में आ गए पहले गुड़स्थान में आ जाने के बाद वे संसार में किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण कर रहे हैं और उनसे पहले ही निगोद से कोई जीव निकला है उन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की शपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए और उनसे पहले निर्माण की प्राप्ति कर ली देखो ये विचित्रता है कहाँ तो वो इतनी चरम और पूर्ण सुखी को स्पर्श करने के बावजूद भी इतने डाउन इतने गिर गए कि अर्धपुदकर अब वे किंचित नहीं

किसके किसका याद आ रहा है आपको हाँ मैंने ही बता दिया शायद पहले कुछ और कहा था क्या नहीं कहा ये कहा था भरत चक्रवर्ती के वे नौ पुत्र है ना जो हमें बराबर पता है कि निगोद की पर्याय से निकले गिजाय आदि एक दो पर्याय उन्होंने धारण की और उसके बाद वे मनुष्य पर्याय धारण करके निर्वाण की प्राप्ति कर ली और कोई मुनिराज ग्यारहवें गुणस्थान तक आकर और अर्धपुतगल परावर्तन काल तक भ्रमण कर रहे हैं किंचित न्यून परावर्तन काल तक कर रहे हैं उनका नंबर बाद में है तो क्या चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है और कोई तो नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतरमूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है ऐसा जानकर ये परिणामों की विचित्रता बताया अब ऐसा जानकर क्या कहा ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना ठीक है ये तो हमारे लिए कर्तव्य जो करने योग्य बताया अब यहां पर आगे अपन बढ़ते हैं काल संबंधी विचार को अपन देखते हैं कि इस ग्यारहवें गुणस्थान का काल कितना है तो वैसे ही है जैसे बाकी के गुणस्थानों का था उपशम श्रेणी की अपेक्षा जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त और मध्यम एक समय से लेकर के अंतर्मूर्त तक के बीच का जितना काल है वह क्या बनेगा मध्यम काल बनेगा चूंकि इस ग्यारहवे गुणस्थान का काल भी कितना है अंतर्मूर्त मतलब अगर परिपूर्ण है तो दसवें गुणस्थान का काल भी कितना है अंतर्मूर्त का भी कितना है अंतर्मूर्त और आठवे का भी अंतर्मूर्त सातवे का भी अंतर्मूर्त है ना ये छठवें का भी अंतरमूर्त है है ना तो ये हम सभी जानते हैं तो भाई साहब कुछ अंतर भी है कि सब अंतरमूर्ती ही है <laughs> <laughs> तो अंतर्मूर्त के भी असंख्यात भेद हैं हम ये जान हमने ये समझा था तो इसको देखो समझिए छठवे गुणस्थान से अधिक सातवें गुणस्थान का काल है यद्यपि दोनों अंतरमूर्त है लेकिन सातवें गुणस्थान का काल अधिक है यह हम पहले भी समझ चुके हैं सातवें गुणस्थान से कम काल आठवें गुणस्थान का है आठवें गुणस्थान से कम काल नौवें गुणस्थान का है नौवें गुणस्थान से कम काल दसवें गुणस्थान का है और दसवें गुणस्थान से अधिक काल ग्यारहवें गुणस्थान का है और ग्यारहवें गुणस्थान से अधिक काल बारहवें गुणस्थान का है ना, है ना मतलब कम यद्यपि सभी अंतरमूर्त हैं जैसे देखो मैं आपको बताऊं इस ग्यारहवीं गुणस्थान का काल है अंतर्मूर्त लेकिन कितना अंतर्मूर्त दो शुद्र भव दो भव अब ये दो शुद्र भव क्या होता है वो अपन ने डाला में भी बराबर पढ़ा है एक श्वास में दस बार जन्म मरो भर दुख भा एक श्वास में जो अठारह बार जन्म मरण किया एक श्वास जो हम वो श्वास लेते हैं वो नहीं वो जो हमारी नाड़ी में जो चलती है ये जो न, न, ये और भी फास्ट होती है ना तो ये श्वास एक श्वास में अठारह बार जन्म मरण तो अठारह बार जन्म मरण में से मात्र दो बार जन्म मरण जो होगा उसको कहलाते हैं दो क्षुद्र भव शुद्र भव समझ में आया? दो शुद्र भव कितना सोचो कितना कम काले ग्यारहवें गुणस्तान का कुछ आया ख्याल में फिर से रिपीट करता हूं इस ग्यारहवें गुड़स्थान का काल भी अंतरमूर्त है लेकिन अंतर्मूर्त होने के बावजूद भी दो शुद्ध भव दो शुद्ध भव मतलब वो जो निगोदिया जीव एक श्वास में अठारह बार जन्म मरण करता है तो वो जब दो बार जन्म मरण करेगा उसको कहला वो कहलाता है दो शुद्ध भव तो सोचो इतना कम काल है इस ग्यारहवें गुड़स्तान का और फिर उनके भी उत्तरोत्तर कमी ही है ऐसे ही बारहवें गुड़स्थान का काल भी अंतरमूर्त है लेकिन वो चार शुद्ध भव है चार शुद्ध आप तो समझ में आ गया, गया। चार शुद्र भव का मतलब क्या है कि वो अठारह बार जो जन्म मरण करता है उसमें से चार बार जन्म मरण जो होगा वह कहलाएगा चार किसका काल है ये का उत्कृष्ट उस उत्कृष्ट उसमें परिपूर्ण मतलब पूरा काल है इतना इतना काम है इतना इतना छोटा छोटा काल मतलब वो मत समझना कि लगे हैं वो एक सेकंड के काम है ये श्रेणी पे चढ़ना एक सेकंड के एक से एक सेकंड तो बहुत कम ज्यादा बोल दिया मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया एक सेकंड के भी बहुत कम में ये सब काम होते हैं मतलब आप इसको वो अंतरमूर्स मत समझना वो 48 मिनट वाला जो चली रही है प्रोसेसिंग वो मत समझ लेना दो शुद्ध बताए दो शुद्र भव तो कितने समझ में आ गए होंगे आपको जो हमें पकड़ में भी नहीं आते तो वो दो शुद्र भव काल है इसका ठीक है चलो अपन पढ़ते हैं फिर अपन यहाँ पे इसको ठीक है तो कुल मिला के मेरे को तो आपको ये बताना था फिर से रिपीट कर देता हूँ छठवे गुड़स्थान से अधिक काल सातवें गुड़स्थान का है सातवें गुणस्थान यद्यपि सभी के अंतर्मूर्त है सातवें से कम आठवे का है आठवें से कम नौवे का है नौवे से कम दसवे का है दसवें से ज्यादा ग्यारहवे का है और ग्यारहवें से ज्यादा बारहवें गुड़स्थान का काल है तो ये काल संबंधी अंतरमूर्त होने के बावजूद भी ये जो परस्पर में अंतर है वो भी हमें समझना चाहिए चलिए अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं काल अपेक्षा विचार पेज नंबर निकाल लीजिए दो सौ अठारह काल अपेक्षा विचार जगन्य काल इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं स्किप कर दूं तो चलेगा क्या क्योंकि वही है मरण की अपेक्षा एक समय उत्कृष्ट अंतरमूर्त और बीच का काल ठीक है चलो अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रोसेस वही है अब अपन देखते हैं गमना गमन अपेक्षा विचार इस गुणस्थान से गमन और आगमन कहा होता है बहुत छोटा है ये भी बहुत छोटा सा है इसको समझ लेते हैं हम किसी भी गुणस्थान के अगर अभी तक गमना गमन देख रहे थे तो ऊपर और नीचे दोनों अपेक्षा से देख रहे थे ग्यारहवें उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है इसका मतलब इससे ऊपर कहीं भी जाकर गमन बस स्टॉप नो no एंट्री बारहवें गुणस्थान में एंट्री नहीं है साहब ऐसा क्यों है प्लीज ऐसा पक्षपात मत करो दे दो ना कुछ ले लो रफा वो क्या कहते हैं नेगोशिएट कर लो ना कुछ चल जाए है ना देखो देखो साहब काम चल रहा है काम चला कुछ काम हो जाए तो जुगाड़ उगाड़ लग जाए तो तो ग्यारहवें यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ उदाहरण दिया जैसे अपन बॉल होती है कोई भी और बॉल को अपन ज़मीन पर फेंकते हैं जितने प्रेशर से अपन उस बॉल को जमीन पर फेंकते हैं वो उतनी प्रेशर से ऊपर जाती है है ना मतलब अगर किसी ने ऐसे थोड़, थोड़ी सी छोड़ी तो कम जाएगी जोर से मारी तो उतनी ऊंची जाएगी और प्रेशर से मारी तो और ऐसे ऐसा अंतर पड़ता है हम जितनी जोर से मारेंगे वो उतनी जोर से बॉल ऊपर जाएगी ऐसे ही जब मुनिराज सातवें गुणस्थान से उप श्रेणी पर आरूढ़ हुए थे उपशम श्रेणी पर तभी उनका ग्यारहवें गुणस्थान तक आना नक्की था मानो जिस प्रकार से बॉल को हम जितने प्रेशर से मानेंगे वो उतने ही प्रेशर से ऊपर जाएगी ऐसी सातवें गुणस्थान वर्ती जो जीव हैं, उन्होंने उपशम श्रेणी रूप पुरुषार्थ किया और उस उपशम श्रेणी से मात्र ग्यारहवें गुणस्थान तक ही आते हैं ये ऐसा सुनिश्चित और नियमित है निश्चित है देखो पढ़ते हैं गमन गमनागम गमना अपेक्षा विचार पहला गमन मतलब कहाँ कहाँ जाते हैं ग्यारहवें गुणस्थान से सीधी सच्ची सी बात तो एक है सिर्फ एक जगह जाते हैं और वो एक दूसरी जगह भी है मतलब दो जगह दो गुणस्थान में गमन होता है एक तो ऊपर तो कहीं गमन होगा नहीं तो ऊपर की तो अपेक्षा कैंसिल और नीचे के अगर गमन होगा तो दसवें में जाएंगे और मरण की अपेक्षा से देखा जाए तो चौथे गुणस्थान में वो विग्रह गति में जाकर जो चौथा गुणस्थान हो जाता है वो तो देखो आप पढ़ते हैं इसको गमन ग्यारहवें उपशांत गुणस्थान उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है अतः इस ग्यारहवें गुणस्थान से आगे शीण मोह आदि गुड़स्थानों में उपशांतमोही मुनिराज का गमन नहीं होता उपशमक मुनिराज की उपशांत मोह गुड़स्थान पर्यंत ही विकसित होने की पर्यायगत योग्यता रहती है जैसे खिलाड़ी गेंद को ऊपर से ठप्पा लगाकर आकाश में उछालता है मतलब ऐसे फेंक के गेंद को ऊपर से जब ठप्पा लगता है तभी गेंद कितनी ऊपर आकाश में उछलेगी यह उसकी सामर्थ्य निश्चित होती है वैसे ही भावलिंगी संतों का आंतरिक बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ यही रहता है कि धारावाहिक रूप से शुद्धि की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए पूर्णता को प्राप्त करें यह तो उनका बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ उनका उद्देश्य परंतु अबुद्धिपूर्वक श्रेणी आरोहण के समय अबुद्धिपूर्वक क्यों कहा क्योंकि उनके हाथ में नहीं होता है कि कौन सी श्रेणी चढ़े और कौन सी श्रेणी नहीं चढ़े परंतु अबुद्धि पूर्वक श्रेणी आरोहण के समय अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले समय के पुरुषार्थ के अनुसार ही यह स्वभाव से ही निश्चित हो जाता है ये समझ में में आ गया करण क्यों क्योंकि आठवें गुणस्थान दो श्रेणी में से एक श्रेणी होती है अगर उपशम श्रेणी है तो निश्चित हो गया कि ग्यारहवें तक ही जाएंगे अगर जाएंगे तो और शबक श्रेणी चढ़ गए तो वो निश्चित हो गया तो यहां कह रहे हैं उस ग्यारहवें गुणस्थान में ही यह निश्चित हो जाता है कि कहां तक जाएंगे देखो परंतु पूर्वक श्रेणी आरोहण के समय अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले समय के पुरुषार्थ के अनुसार ही यह स्वभाव कितनी आवाज कौन है ये पीछे के? पीछे कैबिन में कौन बैठा है ये इतनी जोर से आप लोग बात मत करो अब बात करनी है तो आप बाहर जा सकते हो यहां तक आपकी आवाज आ रही है चलिए तो अपनी बात तो, क्या हुआ अरे वो तो ठीक है अपन तो ये कह रहे थे कि मुनिराज जो श्रेणी चढ़ते हैं वो पूर्व पुरुष देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कौन मुनिराज पूर्वक ये प्रयास करेगा कि हम उपशम श्रेणी चढ़ के गिरे कोई भी नहीं चाहेगा ये तो हुई उनकी भावना लेकिन आपकी भावना अलग है और वस्तु व्यवस्था अलग है आठवें गुणस्थान में ये नक्की हो जाता है कि कहां तक जाएंगे है ना तो देखो वही कह रहे हैं परंतु अबुद्धि पूर्वक श्रेणी आरोहण के समय अपूर्वकरण करण गुणस्थान के पहले समय के पुरुषार्थ के अनुसार ही यह स्वभाव से ही निश्चित हो जाता है कि ये मुनिराज ऊपर के कौन से गुणस्थान तक जाएंगे निर्णय कराने वाला कोई कर्म अथवा अन्य कोई भी नहीं है इसका मतलब बताओ ये निश्चित हो जाता है कि नहीं निश्चित निश्चित हो जाता है? है। ये भी है। आगे दूसरा उपशांतमोह गुड़स्थानवर्ती मुनिराज यथा योग्य एक अंतर्मूर्त काल पर्यंत उपशांत मोह गुणस्थान में पूर्ण वीतरागी तथा पूर्ण सुखी रहते हैं तदनंतर नीचे के उपशमक सूक्ष्म सांप्राय गुड़स्तान में गमन करते हैं मतलब दसवें गुड़स्तान में आते हैं ग्यारहवें से अगर आएंगे तो वे नीचे दसवें गुड़स्तान में ही आएंगे यहाँ एक सुनिश्चित नियम समझना चाहिए कि कोई भी उपशामक मुनिराज उपशांतमो गुड़स्तान से नीचे उतरते हैं ये नियम है ध्यान रखना तो वे क्रम क्रम से छठवें गुड़स्थान पर्यंत नीचे तो नियम से एक के बाद एक गुड़स्थान में गमन करते हैं मतलब जो क्या कह रहे हैं यहां ऐसा नहीं होता कि छठवे से डायरेक्ट पहले में पहुंच गए ओ छठवे से नहीं ग्यारहवे से डायरेक्ट पहले में पहुंच गए ऐसा नहीं होता ग्यारहवे के बाद दसवें में आएंगे दसवें के बाद नौवे में आएंगे नौवे के बाद आठवें में आएंगे आठवें के बाद सातवें में आएंगे और सातवें के बाद फिर छठवें में आओ फिर छठवें के बाद कहीं भी जा सकते हैं वो तो सभी जहां जहां चटवे गुड़स्थान से जहां जहां भी गमन संभव है तो वहां सभी जगह जा सकते हैं किस क्या चीज हाँ किसमें मूर्त काल वही यथा योग्य यथा योग्य का अंतर समझ अंतर समझ में आया कि जितना जो सभी में जो अंतर है हर अंतर मूर्त में जो अंतर है उसी का मतलब है यथायोग्य ठीक है हाँ, इसको अपन केवल ज्ञान होने पर अच्छी तरीके से समझेंगे क्रम क्रम से ये आ गया कि मतलब अगर वे नीचे उतरेंगे तो क्रम क्रम से उतरेंगे डायरेक्ट नहीं उतर देंगे देखिए ग्यारहवे से सीधे छठवे में या चौथे में अथवा मिथ्यात्व गुणस्थान में कभी और कोई भी नहीं करते कभी ऐसा नहीं होता ठीक है आगे पंडित वो तो वो मरण की अपेक्षा वो विग्रह गति में हो जाता है ना वो अलग है लेकिन डायरेक्ट कभी ऐसा गमन नहीं होता कि ग्यारहवें से चौथे में चले गए ऐसा नहीं होता देखो पंडित भागचंद जी के भजन का सही भाव ना समझने के कारण कुछ लोग भ्रम बुद्धि रखते हैं वह गलत है भजन में आया है कि पढ़िए भजन पढ़िए आप लोग देखिये समझ में आ गया होगा जीव के परिणामों की ये जो विचित्रता है हे ज्ञानीजन देखो आप सभी लोगों को भी बोल रहे हैं हे ज्ञानीजन देखो लड़ो मत है ना यहाँ क्या कह रहे हैं हे ज्ञानीजन देखो कैसी परिणामों की विचित्रता है छोड़ दो भाई अच्छा मेरे को भ्रम हो गया देखो भ्रम बुद्धि मेरे को लगा कि वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं चलो तो यहां तो ये कह रहे हैं कि मुनिराज देखो इसको अपन भजन का अर्थ देखते हैं मुनि एकादश गुणस्तान चित्त भ्रम मतलब, तो चित मतलब मिथ्यात हो जाता है तो वहां से गिर के वो पहले गुड़स्तान में आ जाते हैं लोगों को इस भजन से ऐसा भ्रम हो जाता है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है क्योंकि भजन है पद्य है और पद्य में कभी पूरी बात आ पाना बहुत मुश्किल होता है और पद में सामान्य कथन किया गया है और अपन जो अभी गुड़सान पढ़ रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म कथन है ठीक है तो यहाँ जो चित्रभ्रम ठानी इसका मतलब भी यही है वो क्रम से ठानी ना कि डायरेक्ट ठानी अंतर समझ में आया मतलब डायरेक्ट ग्यारहवें गुड़स्तान से पहले गुड़स्तान में नहीं आते से दसवे दसवे से वो जो क्रम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उस क्रम पूर्वक वे पहले गुड़स्तान में आ सकते हैं लेकिन ग्यारहवे से डायरेक्ट पहले गुड़स्तान में नहीं आते हैं देखो मुनि एकादश गुड़स्तान चढ़ी गिरत तहाते चित ब्रमठानी तो लोगों को इससे भ्रम हो जाता है तो वो मैंने आपको बताया भ्रमत अर्ध पुदगल परिवर्तन यह आ गया होगा समझ में कब तक भ्रमण कर सकते हैं और आगे लिखा किंचित ऊन काल परिमाणी मतलब किंचित न्यून पुद्गल परावर्तन काल तक वे क्या कर सकते हैं भ्रमण कर सकते हैं तो जीव के परिणामों की यह विचित्रता है देखो ज्ञानी जन ठानी से जीव उपशांतमो गुणस्थान से सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान में गमन करते हैं ऐसा समझना सत्य नहीं है कि ग्यारहवें गुणस्थान से डायरेक्ट ठानी तो पहले गुणस्थान में आ गए ऐसा नहीं है क्योंकि पद्य में तो उन्होंने सामान्य कथन किया है ऊपर जिस क्रम से नीचे उतरने की विधि कही है वैसा ही समझना चाहिए वास्तव में तो देखा जाए देखो होता क्या है इसको अपन समझे अभी आप लोग पद्म पुराण भी पढ़ रहे होंगे भरत चक्रवर्ती आदि का भी वर्णन आ रहा होगा है ना और कई सारे चक्रवर्तियों का वर्णन आता है होता क्या है होता यह है कि अभी तक जो 11 मतलब अभी तक जो 11वें गुलिस्तान में आए और उन्होंने 21 प्रकृतियों का उपशम किया तो अभी तक जिन प्रकृतियों को दबा दबा के आए थे अब वे ही प्रकृतियां सब उछल पड़ रही हैं सब आ रही हैं है ना इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चक्रवर्ती होता है ना ये विमला दीदी बहुत उदाहरण देती हैं उन्होंने मुझे बताया है कि जैसे चक्रवर्ती जो होता है तो वो जहां जहां षटखंड दिग्विजय के लिए निकलता है षटखंड में जीतने के लिए तो दिग्विजय के लिए जब निकलता है तो एक एक रानी से तो क्या मतलब जहां भी जाता है तो वहां शादी की शादी की शादी की मतलब हर जगह से आप लोग पढ़ा होगा तो जहां जा रहे हैं वहां शादी कर रहे हैं जहां जा रहे हैं वहां शादी कर रहे हैं अभी लक्ष्मण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे है ना पढ़ भी लिया होगा बहुत सारे लोगों ने तो कई लोगों को एक्साइटमेंट भी हो रही होगी कुछ अन्य प्रकार की है ना तो आप लोग जब ऐसे पढ़ रहे होंगे कि लक्ष्मण जी यहाँ जा रहे हैं शादी कर ली यहाँ युद्ध किया शादी कर ली ये हुआ शादी कर तो ली खूब सारी शादियां हो रही हैं तो चक्रवर्ती क्या करता है कि कहीं से मतलब जहां जाता है राजा को जीतता है शादी करता है फिर वापस दे देता है अभी रखो अपने पास फिर वहां जीते उनसे लड़े शादी की उनको वापस कर दिए वहां जीते उनको की उनसे शादी की वापस कर दी मतलब सबको शादी करते जा रहे वापस करते जा रहे हैं और फिर जब लौटते हैं ना है ना तो लौटते तो सबको लेटते हुए आ जाओ भैया चलो अब वापिस चले अपन घर चले आ जाओ सबको ले, लेते हुए चलते हैं ऐसे ही अपन को मतलब ये उदाहरण है ऐसे ही जो मुनिराज गुणस्थान तक जितनी प्रकृतियां ग्यारह ली उनको दबा दी ली उपशांत दबा दिया ली उनको दबा दिया अब जब वे, वे गुणस्थान से वापस नीचे आ रहे हैं तो वे सारी प्रकृतियों को धीरे धीरे करके उनके वे है ना लेते आ रहे हैं देखो वास्तव में देखा जाए तो श्रेणी चढ़ते समय मुनिराज की जिस क्रम से कर्मों की उपशमना हुई है जिस क्रम से ग्यारहवे से वापस नीचे लौटते समय विलोम से उन्हीं उपशमित चारित्र चारित्रमोनी की इक्कीस प्रकृतियों की उदीर्णा होती है उनकी उदीर्णा होती है उदीर्णा यहां क्या कहा है? इसको अपन समझ लेते हैं उदीर्णा यहाँ इसलिए कहा क्योंकि अकाल पाक को उदीर्णा कहते हैं करेक्ट सही बोल रहा हूं ना परिभाषा कि अकाल पाक को उदीर्णा कहा जाता है इसको अपन ऐसे समझें विवक्षा यहाँ क्यों कहा क्योंकि ग्यारहवे गुणस्तान में किसी भी कर्म का उदय नहीं था

उदय उदय चल रहा है उदय चल रहा है उदय चल रहा है तो उदय के अनुसार काल के नहीं उदय नहीं था और उदय आया तो इसीलिए पर मैंने भी भी आपको क्लास के वक्त भी बताया था उदीर्णा और उदय वास्तव में देखा जाए तो इनमें समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं उदीर्ण भी एक प्रकार का उदय होता, होता है लेकिन जो अकाल पाक में होती है उसको उदीर्णा कहते हैं क्योंकि अभी ग्यारहवें गुणस्थान में किसी भी मोहनीय का उदय नहीं था और अचानक जैसे ही ग्यारहवें गुणस्थान से नीचे आते हैं तो इसमें प्रकृतियां धीरे धीरे करके उदय में आने लग जाती हैं तो इसीलिए यहां पर उन प्रकृतियों की को लेकर कहा है इतनी सी है देखो पढ़ते हैं फिर से वास्तव में देखा जाए तो श्रेणी चढ़ते समय मुनिराज की जिस क्रम से कर्मों की उपशमना हुई है ग्यारहवे से वापस नीचे लौटते समय विलोम से उन्हीं उपशमित चारित्र चारित्रमोनी की 21 प्रकृतियों की उदीर्णा होती है अतः छठवें गुलिस्तान पर्यंत तो क्रम से ही उतरकर आते हैं छठवें तक समझ में आ गया छठवें से तो क्रम से आएंगे तदनंतर किसी भी गुलिस्तान में गमन कर सकते हैं इसको अपन दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं जैसे वो रस्सी होती है तो रस्सी में अगर अपन अंटे लगाते हैं क्या बोलते हैं आपके यहाँ है? गांठ वो मोड़ते मोड़ते चले जाए ना तो उसको मोड़ मोड़ के क्रम से अपन ने मोड़ा फिर बाद में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे करके सब क्रम से अपने आप हाँ खुलती चली जाती है खुलती चली। अरे बचपन में झूला तो झूला होगा ना बीच में बैठ जाते थे तो गोल गोल घूमते थे गर्दन ही अटक जाती थी है तो ना तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता खुद ही के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते थे तो जिस क्रम से अपन ने उसको घुमाया है झूले को फिर छोड़ देने के बाद वो उसी क्रम से धीरे धीरे करके गांठ क्या होती चली जाती थी खुलती चली जाती थी ऐसे ही जिस क्रम से अभी कर्मों को दबाया था वापस लौटते समय वे कर्म धीरे धीरे अपने अपने क्रम से होते हैं में और जिसको उदीरना कहा उदीना उनकी होती चली जाती है श्रेणी चढ़ते या उतरते समय उपशमक मुनिराज का किसी भी गुड़स्थान में मरण संभव है सिर्फ ग्यारहवें गुड़स्थान के प्रथम भाग को छोड़कर ओ सॉरी गलत बोल दिया आठवें गुड़स्थान के प्रथम भाग को छोड़कर उपशम श्रेणी चढ़ते उतरते समय उपशम उपशमक मुनिराज का किसी भी गुणस्थान में मरण संभव है अर्थात मरण के अंतिम समय पर्यंत मुनिराज की श्रेणी का वही गुड़स्थान रहता है जिसमें मरण होता है परंतु मरण के पश्चात विग्रह गति में वे उपशमक मुनिराज चौथे अविर सम्मित गुणस्थान में ही गमन करते हैं और देव गति में ही जन्म लेते हैं यह भी नियम है कि वो अगर उपशम श्रेणी में उनका मरण होता है तो विग्रह गति में उनका चौथा गुणस्थान होगा और उस वे चौथे गुणस्थान के सहित भी देव गति में जाकर जन्म ले सकते हैं सो क्यों साहब ऐसा क्यों अन्य आयु क्यों नहीं क्योंकि उन्होंने अगर किसी अन्य आयु का बंद किया होगा तो उन वो श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं अन्य आयु का मतलब अन्य आयु का आयु तिरेंच आयु और नरक आयु का बंद करने वाले जीव श्रेणी नहीं चढ़ते हैं उन्होंने देव गति की आयु का बंद किया है इसीलिए वे चढ़ सकते हैं अगर किसी अन्य आयु का बंद किया होता तो वे श्रेणी भी नहीं, करते नहीं होता नियम है में आते कहा से है तो कहाँ से आते हैं भैया बता दो सिर्फ एक ही तो रास्ता है दसवे से भी तो दसवे के कितने भेद हैं हमेशा भूलना नहीं चाहिए दसवा उत्तर गलत है दसवे उपशांत अपन बोले गुड़स्थान का नाम पूरा क्या है सूक्ष्म 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 तो उपशांत ये सही उत्तर है क्योंकि उपशम श्रेणी वाले ही ग्यारहवे में आएंगे और वे उपशम श्रेणी वाले ही दसवें में आएंगे और दसवें में आएंगे तो वो उपशम श्रेणी रूप वाले में ही आएंगे छपक श्रेणी वाले में नहीं ठीक है तो देखो आगमन उपशांत मोह गुड़स्थान में नीचे के मात्र उपशमक देखो है बराबर लिखा कि नहीं लिखा उपशमक सूक्ष्म सांप्रदायिक उड़ीस्तान से ही आगमन होता है जैसे आठवे नवे और दसवे तीनों गुणस्थानों के उपशमक और छपक ऐसे दो भेद हो होते हैं वैसे उपशांत मोह गुणस्थान के उपशमक और छपक दो भेद नहीं हैं। अतः उपशांत मोह एक ही प्रकार का है उसके दो प्रकार नहीं हैं, ना शपक श्रेणी की अपेक्षा और उपशम श्रेणी की अपेक्षा ऐसे दो भेद नहीं है विशेष अपेक्षा विचार संबंधी जो बात है अभी अपना समय हो चुका है उसको अपन यहां पर कल इस प्रकरण को देखेंगे आप लोग अभी पद्म पुराण पढ़ रहे हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया था वो क्रमब